हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग 12 इंच का स्पीकर बनाते हैं फास्ट फास्ट बॉन्ड टाइट से, जो कि 5 मिनट के अंदर सूख जाता है और हमको तुरंत रिजल्ट देता है। और जिस कस्टमर को तुरंत चाहिए उसके लिए हमको ये यूज करना पड़ता है। फास्ट एस्ट्रल का है ये बॉन्ड टाइट, फास्ट निकले 5 मिनट के अंदर सूख जाता है। तो ये देखिए हम स्पीकर लेते हैं, पहले इसको कट करते हैं। चारों तरफ का कट हो गया, इसके बाद हम इसके निचले वाले स्पाइडर को काटते हैं। सबसे पहले स्पीकर रिपेयरिंग में इसको क्लीन करना पड़ता है। ये देखिए दो वायर हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए हमारा कॉइल एकदम बुरी तरह से जल गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। स्पाइडर का जो है इसमें जो डस्ट है इसको अच्छे से साफ कर दें, और इसमें 2-3 बार कॉइल में फूंक मारेंगे तो जो धूल है बाहर निकल जाएंगे। आप ब्लोअर भी यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई मेटल का टुकड़ा उकड़ा हो तो चिमटी से पकड़ के बाहर निकाल लें। उसके बाद हम इसमें कॉइल फिट करते हैं। एक कोई कागज के टुकड़े से इसको हम साफ भी करते हैं। इसमें अगर कोई मान लीजिए धूल डस्ट कुछ भी है तो निकल जाए। अब आता है देखिए हमारा नेक्स्ट, हम इसमें कॉइल फिक्स करते हैं। कॉइल फिक्स करने के लिए देखिए ये जो वायर का लूप है दोनों, ये इधर रहना चाहिए, यहाँ से कनेक्शन निकलेगा बाहर। ठीक है, हमको ये भी देखना पड़ता है कि कॉइल एकदम एकदम फ्री रहना चाहिए। कॉइल को एकदम फ्री रहना चाहिए तभी आप उसमें फिक्स करिए। ये देखिए हम दो पन्नी इसमें लगाते हैं पेपर। देखिए पेपर में से लगा के किसी भी तरीके से आपको इसमें जाम करना है। ताकि हमारा कॉइल कहीं इधर उधर ना जाए। अब देखिए हम इसमें फिलिंग पेपर भर दिए हैं और हमारा देखिए कॉइल एकदम देख रहे हैं थोड़ी सी, देखिए थोड़ा सा उठा रहना चाहिए कॉइल, करीब 2 सेंटीमीटर तक बाहर रहेगा और ज़्यादा हिस्सा अंदर। इसको अच्छे से करने के बाद ये देखिए तो कॉइल का लूप है, इसको हम ऐसे अंदर नीचे की तरफ दबा देते हैं। उसके बाद देखिए हमारा कॉइल पोजीशनिंग देखिए एकदम ठीक रहना चाहिए चारों तरफ बराबर। ताकि एकदम एक बार एक तरह कॉइल हमारा रनिंग करे इसमें और क्लीन साउंड निकले। अब देखिए हम लगाते हैं इसमें स्पाइडर।
स्पाइडर लगाने के लिए हमको देखिए, ये देखिए बांस का एक टुकड़ा है, इसको अच्छे से रोल करके इसमें हम आसानी से जाने तक ढीला कर लेते हैं। देखिए ढीला गया है, अब हम लगाते हैं मैक्सो बॉन्ड। अच्छी तरह से मैक्सो बॉन्ड को लगाते हैं, और मैक्सो बॉन्ड है ये, एकदम अच्छे से हम मैक्सो बॉन्ड को लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्लू हम अच्छे से लगाते हैं दोनों साइड पर, पतली लेयर एकदम। और सभी जगहों पे लगाइए ताकि ये छूटे ना, इसकी पकड़ जो है बजाते वक्त छूटे ना, नहीं सारा मेहनत हो जाएगा बेकार। अब देखिए हम इसको स्पाइडर को अच्छे से फिक्स कर देते हैं, और इसको हम ऐसे रोल कर देते हैं ताकि ये अगर मान लीजिए नीचे रहे तो उठकर अपने सेंटर में आ जाए। घुमाने से ये फायदा है, और ग्लू अच्छे से फैल जाता है। उसके बाद देखिए हम स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसको हम अच्छे से चापते हैं, इसी पे हमको रोल करना है ऐसे ऐसे। अब हमारा अगला काम है इस देखिए बेल्ट को बाहर निकालना, इसके हम चाकू की सहायता से इसको बाहर निकालते हैं। सावधानी से निकालिए, बहुत ब्लेड लोड हमको जब यूज करें सावधानी से यूज करना चाहिए, पता चले कहीं छटक के लग जाए। इसको आराम से आप निकाल लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। देखिए इस बेल्ट को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए जब हम चाकू से इसको इस तरह से निकालते हैं तो इसको हम आसानी से दोबारा यूज करके आपको दिखाएंगे, और फाड़ने से तो ये ख़राब हो जाता है। अब इसके जो डस्ट हैं इसको हम अच्छे से साफ कर देते हैं कपड़े से। पहले इसको साफ कर देते तो इसका जो डस्ट है इसमें जाता है, और इससे अच्छा तो हम इसी तरह से बनाते हैं। पहले इसको फिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको क्लीन करके फाइनल टचअप दे देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा सैंड पेपर मांगना है तो सैंड पेपर मांग लीजिए। अब देखिए अगला काम हम करते हैं, इसमें हम लगाएंगे पर्दा मेन। देखिए ऐसे तो फिलहाल नहीं जा रहा है, इसको हम फिर वहीं बांस की सहायता से, यह आसानी से आपको मिल जाता है, हम तो हर साइज़ का बांस में से ही काट लेते हैं। इसके साइज़ का आप काट के एकदम अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए एकदम बेहतरीन गोला, ये देखिए हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम लेंगे फास्ट एरल डाई, ये 5 मिनट के अंदर सूख जाता है। तो इसको हमको देखिए
पहले एक बर्तन निकालना है जितनी मात्रा इसमें लग जाए। ये हो गया, देखिए पार्ट ये, और ये दूसरा पार्ट भी। दोनों बराबर मात्रा में हमको निकाल कर रखना है। अब देखिए इसको हमको मिक्स नहीं करना है, इसको निकाल के बस रखिए साइड में। अब हम लगाते हैं मैक्सो बांड। वीडियो स्किप करेंगे तो आपको जानकारी कुछ नहीं मिल पाएगी, आप एक वीडियो में देखकर ही सभी प्रकार के स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्पीकर का लगभग वही डायमीटर है और उसी तरह रिपेयर किया जाता है सेम टेक्निक से। बस हमको कॉइल थोड़ा देखना पड़ता है ऊपर नीचे बस, बाकी सब सारी प्रोसेस सेम है। अब देखिए हमारा वो देखिए लग गया। अब हम लगाएंगे पर्दे में मैक्सो बांड को अच्छी तरह से। देखिए हमारा हो गया, अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम इसको तुरंत मिक्स करते हैं। एक थोड़ा सा पेपर काट लीजिए, इसी की सहायता से हम उसमें लगाएंगे। अब देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, एकदम अच्छे से, बहुत फास्ट तरीके से आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। और एक मिनट के अंदर इसको आपको वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ इसको लगाना है आपको। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको तुरंत आपको बहुत ही स्पीड से, देखिए हम इसको ऐसे लेते हैं से क्वाइल पे लगाते हैं। चलो यही हो गया था, और फिर हम देखिए इसे लगाते हैं इस साइड, और ये देखिए हो गया। ये देखिए हमारा लग गया चारों तरफ। अब इसको हम पर्दे को लगाते हैं, उसको आपको घुमाना है, घुमाना है चारों तरफ, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। ऐसे घुमाने से जो एरल डाई है चारों तरफ एकदम अच्छी तरह से फैल जाता है। उसके बाद इसको ऐसे रोल कर देना है, अगर आप बेल्ट नया लगाना चाहते हैं तो नया लगा सकते हैं। और हमने देखिए आसानी से निकाला है, पुराना बेल्ट वहीं लगा देंगे, आपकी मर्जी, चाहे चाहे जो करिए।
अच्छे से ग्लू लगा के रखिए। हम ये होल देखते हुए लगा देते हैं। ये देखिए हमारा हो गया फाइनल। इसको सूखने के बाद हमें ये पेपर निकालेंगे और फिर हम इसमें वायर लगाएंगे। इसका लीड निकालने के लिए देखिए हम होल करते हैं। देखिए जहाँ ये आपका कनेक्शन निकलता है यहाँ पे इसके जस्ट सीधे पे हम होल करेंगे, चार होल करेंगे। एक देखिए एक होल हो गया और एक होल जस्ट उसके पास में, दो होल और एक होल यहाँ पे। हम दो वायर का टुकड़ा लेंगे, अब हम क्या करेंगे चिमटी की सहायता से इसको हम देखिए निकालेंगे। सबसे ऊपर वाले में डालेंगे और नीचे से हम इस वायर को से खींचेंगे और उसके बाद हम इस देखिए इसमें जो वायर है इसको अच्छे से साफ करके इस वायर में हम इसे किनारे पे इसको से लपेट देते हैं। और फिर इसको हम देखिए अंदर करके एक ठो जिसके नीचे होल है इसी में ऐसे डाल देते। देखिए ये हो गया हमारा एक ठो और सेम इसी तरह हम ये वाला भी कर लेते हैं। और ये हो गया। अब इसको हम सोल्डर से सोल्डिंग करेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए दोनों हम जहाँ पर हमको सोल्डिंग करना है पेस्ट इस पर लगाते हैं दोनों पे और इसको अच्छे से सोल्डिंग करते हैं। अब हम इन दोनों सिरों को एरल डाई की सहायता से अच्छे से कवर करेंगे। देखिए हम लेते हैं थोड़ा सा एरल डाई दोनों भाग एकदम समान मात्रा में, इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पर हम अप्लाई करते हैं। इसके वायर तक हमको लगाना पड़ता है। अच्छे से चिपक जाए दोनों वायर को अच्छे से तो मेरल डाई में चिपका दीजिए। उसके बाद हम लेते हैं कैप।
इसको हम डस्ट कैट पे चारों तरफ लगाते हैं ग्लू। एकदम अच्छी तरह से ग्लू लगाइए, नहीं तो ये जंपिंग करने पे निकल आता है। देखिए ये स्पीकर हो गया तैयार। अब इसके हम कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। और इन दोनों वायर को यहाँ पे से हमको इसको निकाल के यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं सीरीज में। देखिए ये हमने चेक करके दिखा दिया सीरीज में आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए।